हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। जो भी लोग इंडिया से नेपाल और नेपाल से सऊदी अरेबिया जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, और या फिर जो लोग अभी नेपाल में हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि एनओसी नहीं चाहिएगा। ओके, 20 अप्रैल 2019 से लेके 19 जून 2021 तक जो भी इंडियन फ्लाइट से इंडिया से नेपाल और नेपाल से तीसरे कंट्री जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, उनको एनओसी नहीं चाहिए। ये सर्कुलर आपके स्क्रीन में है, ये एमबीसी ने रिलीज करा है। इस सर्कुलर को मैंने रीवैलिडेट भी करा है, जिन्होंने इसे साइन करा है पवन साहब से, तो उन्होंने कहा है कि ये सही सर्कुलर है और अभी से एनओसी नहीं चाहिए। लेकिन मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ, एनओसी उनको ही नहीं चाहिए जो इंडियन है और इंडिया से नेपाल फ्लाइट से गए हैं, मतलब जिनके पासपोर्ट में इंडिया का डिपार्चर स्टाम्प है और नेपाल का अराइवल स्टाम्प है, उनको एनओसी नहीं चाहिए। और ये एनओसी नहीं चाहिए इसका इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन नेपाल को भी दे दिया गया है। अगर आप नेपाल से जाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही क्लियर होगा, जो मैं बताना चाह रहा था आप पर पहुँच चुका है। और एक बात, अगर जो भी लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं क्विक एक रिकेप दे देता हूँ सारा नेपाल का प्रोसेस क्विकली 2-3 मिनट में। पहली बात, अगर आप इंडिया से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए 6 महीना के वैलिडिटी के साथ विथ 2 ब्लैंक पेजेस। आपके पास इंडिया से नेपाल का टिकट होना चाहिए, फ्लाइट टिकट्स आपके पास होना चाहिए, एग्जिट री एंट्री वीज़ा सऊदी अरेबिया का आपके पास होना चाहिए, कोविड PCR टेस्ट जो कि आप 72 आवर्स विद इन डिपार्चर कर रहे थे। ओके, ये 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंडिया से नेपाल जाने में। अब आप पूछेंगे कि क्या मुझे वीज़ा चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या मुझे इंश्योरेंस चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या मुझे होटल बुकिंग या कंफर्मेशन चाहिए इंडिया से नेपाल जाने के लिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, जब आप इंडिया से नेपाल पहुंच जाएंगे तो या तो पहले ही आप होटल बुक कर लीजिएगा या वहां जाके बुक कर लीजिए, बहुत सारे होटल्स हैं। इसके बाद आप वहां पे आपको 14 दिन रुकना पड़ेगा। ये 14 दिन का रिक्वायरमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये 14 दिन कैसे काउंट करें? आप जिस दिन नेपाल पहुंचे और जिस दिन नेपाल से जा रहे हैं, वो दोनों दिन को काउंट मत कीजिए, बीच में 14 दिन होना चाहिए। इसके बाद आप जाके वहाँ पे नेपाल से सऊदी अरेबिया का टिकट ले लीजिएगा। ओके, टिकट ले लेंगे तो आपके पास एक डेट होगा, उस डेट से आपको विद इन 72 आवर्स पहले आपको कोविड टेस्ट करवाना है। ये कोविड टेस्ट के बारे में भी मैंने डिटेल सा प्रोसेस बताया है आप लोगों को, नेपाल में कहाँ से करवाना है, कितने फीस है, वो सारी चीज़ आप देख लीजिए। बाकी अगर आपको नेपाल से कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने 12-13 वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में नेपाल का ही, उसको आप पूरा देख लीजिए। जो जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको रेगुलर बताते आ रहा हूँ, तो आप प्लान कर सकते हैं। अब 2 चैलेंज थे नेपाल से आने के, पहला चैलेंज था फ्लाइट टिकट्स का, दूसरा था एनओसी का। एनओसी का तो चैलेंज अभी ख़त्म हो गया है, और फ्लाइट टिकट्स का वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। चैलेंज ये था कि कॉस्ट जो फ्लाइट का काफ़ी ज़्यादा था। अब आप अल जजीरा एयरलाइंस, कतर एयरलाइंस और सलामा एयरलाइंस, इन 3 एयरलाइन से आप अपना बुकिंग कर सकते हैं जो लोग जा रहे हैं। ओके, इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में लिखिए, और जो मैंने वीडियो में बताया प्लीज़ वो आप ध्यान से देखिए, इसके बाद ही पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।